नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमिक्स बाज में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इस वीडियो में राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता की साइट से ये डोगा का एक पोस्टर कलेक्शन सेट। और आप देख सकते हैं ये 10 पोस्टर्स का एक सेट है जिसका कि MRP 850 रुपये है। बट अभी के लिए आप rajcomicsuniverse.com से इसे 500 रुपये की कीमत पर आसानी से खरीद सकते हैं। ये कलेक्शन सेट वन है दोस्तों जो मेरे पास आया है। इसके अलावा डोगा के ही अगर आप जानना चाहते हैं तो और दो कलेक्शंस भी अवेलेबल हैं, कलेक्शन टू, कलेक्शन थ्री। इसके अलावा भी और भी जो सुपर हीरोज़ हैं, नागराज, ध्रुव, परमाणु, एंथनी, भेड़िया, इन सब के भी आपको वहाँ पे पोस्टर कलेक्शन सेट आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये प्रीमियम पोस्टर कलेक्शन सेट है, काफ़ी इसकी अलग ही लेवल की क्वालिटी है। तो देख एक बारी मैं आपको इस वीडियो में भी वो चीज़ दिखा देता हूँ। ये आपको इस तरीके के ये एक कार्डबोर्ड का, हार्ड कार्डबोर्ड का ये एक बॉक्स है जिसमें आपको ये पोस्टर्स आते हैं पैक हो करके। तो फटाफट से एक बार इन पोस्टर्स को बाहर निकाल लेता हूँ मैं। ओके, नाइस। तो शुरुआत ही हो रही है हमारी, ये एक मैसेज जो डोगा देना चाह रहा है। हालांकि डोगा खुद में भी मास्क पहनता है तो कितनी उसको ये कोरोना वाले मास्क की नीड है या नहीं है वो तो हम नहीं कह सकते। बट हाँ, मैसेज देने के लिए, यंग बच्चों को, जनता को जागरूक करने के लिए ये एक अच्छा डिज़ाइन बनाया गया है। और एक काफ़ी अच्छा आर्ट भी है ओवरऑल। पेपर की क्वालिटी अगर आप देखें तो मैट में ये है। अगर ये कैमरा आपको दिखा पा रहा है तो आप देखेंगे ये डॉट डॉट डॉट्स आपको दिख रहे होंगे इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा ये ओवरऑल डिज़ाइन। पेपर की क्वालिटी अगेन मजबूत है दोस्तों। ये नॉर्मल सादा पेपर वाला क्वालिटी नहीं है। डेफिनेटली आप इसे फ्रेम कराने चाहें तो फ्रेम करा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इसको कहीं दीवार पे ऐसे ही डबल साइडेड टेप या अपने सिंगल साइडेड टेप की तरह मदद से लगाना चाहते हैं तब भी ये एक काफ़ी अच्छा लुक आपके वॉल पे या जहाँ पर भी आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पर ये आपको काफ़ी आकर्षक दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों नज़र डाल लेते हैं और जो डिज़ाइन हमको यहाँ पर मिले हैं। उसके अलावा ये एक नीलमेश्वर और ईशान का ये एक बेहतरीन आर्ट हमको यहाँ देखने को मिल जाता है। काफ़ी विध्वंसक सा ये पोज डोगा का, पीछे एक धमाका है और बहुत बहुत ही अमेजिंग आर्ट, सुपर क्वालिटी एज अगेन मैट क्वालिटी के साथ भी एक शाइन है इस ओवरऑल लुक में। तो काफ़ी अच्छा है। डोगा का एक लोगो इस तरफ आपको राइट साइड में यहाँ देखने के लिए मिल जाता है और इसके अलावा यहाँ पे आपको संजय गुप्ता का भी एक लोगो देखने को मिल रहा है। जल्दी जल्दी हम बाकी के आर्ट्स पे भी डिज़ाइन डाल लेते हैं। ये एक और डिज़ाइन और एक और आर्ट जो हमें यहाँ पे देखने को मिली है, अगेन फैंटास्टिक क्वालिटी इस डिज़ाइन की। ये एक्सप्रेस वे कलेक्शन से लिया गया है मेरे ख्याल से, रशीद जी का यह आर्टवर्क काफी बेहतरीन और वन ऑफ माय फेवरेट पोस्टर्स इन दिस कलेक्शन जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग ये विध्वंसक सा पोज डोगा का, सिद्धार्थ तंवर की आर्ट, ये काफी काफी बेहतरीन लुक इस पोस्टर में। इसके अलावा अगले डिजाइन में हमको ये एक और नया लुक डोगा का, ऑसम। ये एक और आर्ट जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है इस पोस्टर में। और इसके बाद ये एक और नीलमेश्वर का आर्ट हमें यहाँ पे लोमड़ी के साथ डोगा को दिख जाता है, देखने के लिए मिल रहा है इस कलेक्शन में, जो कि अगेन मुझे बहुत पसंद आ रहा है। ये अगला आर्ट काफ़ी बेहतरीन दिख रहा है यहाँ पे दोस्तों। आप अपने अगर आप कोई याद आ पा रहा है या आप
मेमोराइज कर पा रहे हैं कि किस कॉमिक से या किस कॉमिक्स के आर्टवर्क से ये पोस्टर के डिज़ाइन लिए गए हैं या उनसे ये इंस्पिरेशन ली गई है, तो कृपया हमें कमेंट्स में शेयर करके अपने अपने जवाब आप दे सकते हैं। मेरे को ये शायद सर्वनाश कॉमिक्स से लिया हुआ लग रहा है ये पर्टिकुलर डिज़ाइन। इसके अलावा और भी जितने भी आपने डिज़ाइन देखे हैं, आप अपनी राय उसमें बताएं कि कौन सा डिज़ाइन या कौन सा आर्टवर्क आप किस कॉमिक से लिंक कर पा रहे हैं। तब तक के लिए ये अगले डिज़ाइन पर देख लेते हैं हम। अगेन एक और क्लासिक क्लासिक पोस्टर डोगा का, और इसी के साथ ही हमारा वापस हम पहले पोस्टर पर आ जाते हैं जिसमें ये कोरोना का मास्क पहने हुए है डोगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगर आप और भी इस तरीके के पोस्टर कलेक्शन देखना चाहते हैं तो कृपया कमेंट्स में आप हमको बताएं, हम और पोस्टर कलेक्शन भी लाकर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे अपने वीडियोस के माध्यम से। तब तक के लिए आप इस चैनल को एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि अगर हम इस तरीके के और भी नए नॉवल्टीज़ या नए कॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी वीडियो बनाते हैं तो आपको उसकी जानकारी सबसे पहले मिल पाए। अभी के लिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मैं हूं आपका दोस्त कॉमिक्स बाज, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया।